मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए। एक शख्स सुबह सवेरे उठा, साफ सुथरे कपड़े पहने और मस्जिद की तरफ चल पड़ा ताकि फजर की नमाज बाजमात अदा कर सके। रास्ते में ठोकर खाकर गिर पड़ा और सारे कपड़े कीचड़ से भर गए। वापिस घर आया, लिबास बदल कर वापिस मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। फिर ठीक उसी मकाम पर ठोकर खाकर गिरा और कपड़े गंदे हो गए। फिर वापिस घर आया और लिबास बदल कर दोबारा मस्जिद को रवाना हुआ। जब तीसरी मरतबा इस मकाम पर पहुंचा तो क्या देखता है कि एक शख्स चिराग हाथ में लिए खड़ा है और उसे अपने पीछे चलने को कह रहा है। वो शख्स उसे मस्जिद के दरवाजे तक ले आया। पहले शख्स ने उसे कहा कि आप भी आकर नमाज पढ़ लें। वो खामोश रहा और चिराग हाथ में पकड़े खड़ा रहा, लेकिन मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुआ। दो तीन बार इनकार पर उसने पूछा कि आप मस्जिद आकर नमाज क्यों नहीं पढ़ लेते। दूसरे शख्स ने कहा, इसलिए कि मैं इब्लीस हूँ। पहले शख्स की हैरानगी की इंतहा ना थी जब उसने ये सुना शैतान ने अपनी बात जारी रखी। ये मैं ही था जिसने तुम्हें जमीन पर गिराया जब तुमने वापिस घर जाकर लिबास तब्दील किया और दोबारा मस्जिद की जानिब रवाना हुए तो अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दिए। जब मैंने दूसरी मरतबा तुम्हें गिराया, दोबारा लिबास पहनकर मस्जिद को रवाना हुए तो अल्लाह ने तुम्हारे सारे खानदान के गुनाह बख्श दिए। मैं डर गया कि अगर मैंने तुम्हें गिराया और तुमने दोबारा लिबास तब्दील करके मस्जिद की तरफ चले आए तो कहीं अल्लाह तुम्हारे सारे गांव के बशिंदों के गुनाह ना बख्श दे, इसलिए मैं खुद तुम्हें मस्जिद तक छोड़ने आया हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। शुक्रिया।